दोस्तों, क्या आपको पता है कि हेली नाम का एक धूमकेतु भी है जो हर 75 साल बाद पृथ्वी पर वापस लौटता है, और यदि कोई तारा ब्लैक होल के पास से गुजरता है तो वह उसमें ही समाहित हो जाता है। सूर्य का वजन पृथ्वी से लगभग 3,30,000 गुना अधिक है और मंगल ग्रह पर सूर्यास्त नीला होता है। तो चलिए ऐसे ही कुछ फैक्ट जाना। अंतरिक्ष जितना विशाल है उतना ही रहस्यों से भरा हुआ है। हम भी बचपन में ऊपर आकाश में देखकर यही सोचते थे कि ये सूर्य और तारे, हमारे ग्रह किस चीज़ से बने हुए हैं, आखिर ये यहाँ पर आए कैसे, और ये स्पेस कितना विशाल है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसे ही अंतरिक्ष के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट बताने जा रहा हूँ जो शायद ही आपने कहीं सुने होंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी इस तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन प्राप्त कीजिए। चलिए आज स्पेस की क्लास में कुछ नया सीखते हैं। फैक्ट नंबर 1, हमारा अंतरिक्ष पूरी तरह से साइलेंट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतरिक्ष में हवा मौजूद नहीं है। किसी भी साउंड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। चूँकि अंतरिक्ष पर कोई भी हवा मौजूद नहीं है, इसलिए यदि कोई व्यक्ति आपके बगल में खड़े होकर ज़ोर से चिल्लाता भी है तो आप उसकी आवाज़ सुन नहीं पाएंगे। फैक्ट नंबर 2, हमारा चंद्रमा प्रतिवर्ष 4 सेंटीमीटर की दर से पृथ्वी से दूर होता जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा एक न एक दिन पृथ्वी की इस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा आने वाले अरबों वर्षों में भी नहीं होगा। फैक्ट नंबर 3, मंगल ग्रह पर सूर्यास्त के समय आसमान नीला दिखाई पड़ता है। हाँ, सही सुना आपने, नीला। पृथ्वी पर सूर्यास्त के समय आसमान का रंग लाल होता है, परंतु मंगल ग्रह पर सूर्यास्त के समय आसमान का रंग नीला होता है। फैक्ट नंबर 4, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित स्तनपायी या मैमल एक कुत्ता था जिसका नाम लाइका था। लाइका को रूस ने 3 फरवरी 1957 को स्पुतनिक 2 नाम के अंतरिक्ष यान में भेजा था, लेकिन दुख और तनाव के कारण इसकी फ्लाइट में ही मौत हो गई। फैक्ट नंबर 5, सन 2016 ने वैज्ञानिकों ने 5 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक स्रोत से एक रेडियो सिग्नल का प्राप्त किया। यह रेडियो सिग्नल इतनी दूर से आया था कि जब यह सिग्नल उस स्रोत से चला होगा तो उस समय पृथ्वी भी नहीं बनी होगी। फैक्ट नंबर 6, बृहस्पति या जुपिटर को हमारे सौरमंडल का डंपिंग ग्राउंड कहा जाता है। ऐसा इसलिए है कि यह पृथ्वी की ओर आने वाले संभावित कॉमेट्स या क्षुद्र ग्रहों को अपनी ओर खींच लेता है। अगर बृहस्पति ग्रह हमारे सौरमंडल में ना होता तो आज हमारी पृथ्वी भी ना होती। फैक्ट नंबर 7, चूँकि अंतरिक्ष में कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, इसलिए वहाँ पर नॉर्मल पेन काम नहीं करते। नॉर्मल पेन को काम करने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल की आवश्यकता होती है। गुरुत्वाकर्षण बल पेन की इंक को नीचे की ओर खींचता है और हमें लिखने में सहूलियत होती है, लेकिन अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं पाया जाता, इसलिए वहाँ पर नॉर्मल पेन काम नहीं करते। फैक्ट नंबर 8, हेलीज कॉमेट या हेली का धूमकेतु सबसे प्रसिद्ध धूमकेतुओं में से एक है। इस धूमकेतु की यह खासियत है कि वह हर 75 साल बाद पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में दिखाई देता है। आखिरी बार इसे 1986 में देखा गया था और इसे दोबारा 26 जुलाई 2061 में वापस देखे जाने का अनुमान है। फैक्ट नंबर 9, 55 कैनरी ई नाम का एक ग्रह है जिसका आकार पृथ्वी के आकार की तुलना में लगभग आधा है, लेकिन इसकी सतह पूरी तरह से हीरो से बनी हुई है। फैक्ट नंबर 10, अभी तक हमारे सौर मंडल में कुल 176 चंद्रमा खोजे जा चुके हैं। ये चंद्रमा किसी न किसी ग्रह का चक्कर लगाते हैं, लेकिन हमारे सौर मंडल में केवल बुध और शुक्र ही ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका कोई भी चंद्रमा नहीं है। फैक्ट नंबर 11, यदि कोई तारा किसी ब्लैक होल के पास से गुजरता है तो यह ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से खिंचा चला आता है। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान है जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं पाता है। फैक्ट नंबर 12, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह वीनस है।
ज़्यादातर लोगों का मानना है कि हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बुध होगा क्योंकि यह सूर्य के सबसे नज़दीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। वीनस पर बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं जिसके कारण एक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है, जिसके कारण इसकी सतह का तापमान लगभग 462 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमेशा बना रहता है। फैक्ट नंबर 13, अभी तक हमारे द्वारा ज्ञात ब्रह्मांड की सबसे ऊंची चोटी एटलस मॉन्स है, जो कि मंगल ग्रह पर स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुनी अधिक है। फैक्ट नंबर 14, हमारा सूरज पृथ्वी की तुलना में लगभग 330,000 गुना अधिक भारी है। इसका व्यास पृथ्वी की तुलना में लगभग 109 गुना बड़ा है। यह इतना बड़ा है कि इसमें 1,30,00,000 पृथ्वी समा सकती। फैक्ट नंबर 15, जुपिटर ग्रह के अब तक 79 चंद्रमा की खोज की जा चुकी है। जुपिटर हमारे सौर मंडल में सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह है और सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा भी इसी ग्रह की परिक्रमा करता है, जिसका नाम गैनीमेड है। डायमीटर लगभग 5,262 किलोमीटर है। यह मरकरी ग्रह से भी बड़ा है। फैक्ट नंबर 16, पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका नाम किसी रोमन गॉड के नाम पर नहीं है। फैक्ट नंबर 17, हमारे सौर मंडल में सबसे अधिक ज्वालामुखी शुक्र ग्रह पर पाए जाते हैं। अभी तक कुल 1600 ज्वालामुखियों की खोज की जा चुकी है। इनमें से एक ज्वालामुखी की ऊंचाई तो 8 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और इस ज्वालामुखी को मॉट मॉन्स के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 18, जैसा कि हम जानते हैं कि सभी ग्रह के उपग्रह या चंद्रमा उसी दिशा में गति करते हैं जिस दिशा में ग्रह सूर्य के की चारों ओर गति करता है। नेपच्यून का चंद्रमा टाइटन ग्रह के पीछे की ओर परिक्रमा करता है। टाइटन किसी भी ग्रह का एकमात्र बड़ा चंद्रमा है जो ऐसा करता है। यह एक रेट्रोग्रेड कक्षा के रूप में जाना जाता है और वैज्ञानिक भी इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि टाइटन ऐसा क्यों करता है। फैक्ट नंबर 19, नेपच्यून को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग 165 अर्थ ईयर लगते हैं। इसका मतलब यह है कि इसे सूर्य की परिक्रमा करने के लिए 60,190 दिनों के बराबर समय लगता है। ऐसा इसलिए है कि नेपच्यून की घूर्णन गति बहुत ही कम है, यह केवल 5.43 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसका मतलब यह है कि 1946 में खोजे जाने के बाद यह केवल अभी तक एक परिक्रमा ही कर पाया है। फैक्ट नंबर 20, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या ISS अंतरिक्ष में भेजा गया अब तक का सबसे बड़ा मानव युक्त ऑब्जेक्ट है। यह लगभग 109 मीटर लंबा है और पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यह रात में आकाश में दिखाई देने वाली सबसे चमकीली वस्तुओं में से एक है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही मैं कई कूल फैक्ट्स आपके सामने लाते रहूँगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।